उस युवती की जो है वो हत्या की गई थी। इससे पहले दिल्ली के अंदर और भी दो तीन घटनाएं हुई, साउथ में हुई, उसके बाद और कई जगह जो है जैसे हरियाणा के अंदर हुई अनिकिता तोमर जो थी। तो ऐसी कई घटना में उदाहरण दे सकता हूँ कि जिनकी हत्या जो है लव जिहाद के तहत की गई है। की कानून व्यवस्था जो है लॉ एंड ऑर्डर वो केंद्र सरकार के पास है। तो आज हम केंद्र सरकार को ही कैटेगरी में खड़े कर रहे हैं कि क्यों ऐसी घटनाएं जो है वो दिल्ली के अंदर हो रही है, क्यों दिल्ली पुलिस को विशेष छूट नहीं दी जाती कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे के अंदर लाकर गोली मारने का काम या जिंदा जलाने का काम क्यों नहीं किया जाता, किस लिए इनको जेल के अंदर पाल कर रख रहे हैं। देखिए पुलिस को सारी घटनाएं सामने लानी चाहिए और क्या क्या कार्रवाई की है वो लोगों के बीच में साझा करनी चाहिए। और मैं सबसे बड़ा दोषी उन लोगों को मानता हूँ जो लोग वहां से निकल रहे थे और जिन्होंने उनको युवती को बचाने का काम नहीं किया। सबसे ज्यादा दोषी वो है, पुलिस को उनको भी चिन्हित कर जो है इन्हीं दारों के तहत उनको भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। अगर वो वहां गुजरने वाले लोग अगर पहल करते तो वो युवती बच सकती थी, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की। वो सारा क्लियर है, जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई है उसके अंदर सारा क्लियर है कि किसी ने भी उस युवती को बचाने की कोशिश नहीं की। इसलिए उनको भी हम उनके उस साहिल सरपराज के बराबर दोषी मानते हैं। लेकिन केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द जो है वो कानून बनाने का काम करे।